हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक ललित में। सो दोस्तों, हम आज बात करेंगे एक्सपेंशन ज्वाइंट के बारे में। एक्सपेंशन ज्वाइंट सीलेंट हम कैसे करते हैं। आपको पहले वीडियो में मैं बताया था कि एक्सपेंशन ज्वाइंट ग्राउटिंग जो एपॉक्सी ग्राउट होता है उसमें क्यों दिया जाता है, प्रिवेंट द एपॉक्सी ग्राउट क्रैक। उसके बाद मैं क्रैक रिपेयर के बारे में दूसरा वीडियो में बताया था आपको। और इस वीडियो में जो हम एपॉक्सी ग्राउट में जो एक्सपेंशन ज्वाइंट देते हैं, ठीक है, उसको हम सील कैसे करते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें जो पट्टी लगा होता है ना, जो उसमें एक बार्स लगा होता है जो ब्लैक कलर का आप देखे होंगे, ऐसा हम लगाते हैं एक एंड से दूसरे एंड तक एवरी 1.2 मीटर पे, ठीक है। हमारा प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन है उसमें एवरी 1.2 मीटर पे हम एक्सपेंशन ज्वाइंट देते हैं, ठीक है, दिए हैं। तो दोस्तों, एक्चुअल एक्सपेंशन ज्वाइंट प्रिवेंट द क्रैक, फाउंडेशन एपॉक्सी ग्राउटिंग में क्रैक ना आए, इसके लिए हम एक्सपेंशन ज्वाइंट देते हैं एवरी 1.2 मीटर पे। ओके, दैट इज द रीजन ऑफ व्हाई वी पुट एक्सपेंशन ज्वाइंट। ओके, सो एक्सपेंशन ज्वाइंट जब हम देते हैं और एपॉक्सी ग्राउट हो जाता है, सो दोस्तों जो एंड है, ठीक है, उसको हम सील करते हैं। वो आपको वीडियो में अच्छा से समझ में आएगा किस मटेरियल से हम सील करते हैं, क्यों सील करते हैं, ठीक है। ये सब डिटेल में आपको मैं समझाने वाला हूँ, आपको अच्छा नॉलेज होगा इस वीडियो को देख के। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और मेरा मेन कंसर्न क्या है दोस्तों, जिस चीज के मैं बारे में बताऊं वो आपको अंदर तक टच करे, छुए आपको, मीन्स उससे आपको कुछ समझ में आए। मेरा मेन मकसद ये है वीडियो बनाने का, आपको कुछ नॉलेज हो, ठीक है। मैं एकदम सिंपल भाषा में बताता हूँ, कोई मैं इंजीनियरिंग लैंग्वेज यूज नहीं करता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको अच्छा से समझ में आए। हमारे कितने दोस्त होंगे जिनको दूसरा कुछ वीडियो देखते होंगे, दूसरे किसी का, उसमें आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा। लेकिन मेरा मकसद ये रहता है कि मेरा जो वीडियो देखे, जो भी आदमी मेरा वीडियो देखे, उसको जिस चीज के बारे में मैं बता रहा हूँ वो अच्छा से समझ में आए, मेरा मेन कंसर्न ये है, ठीक है। चलिए अब हम आपको वीडियो में ले चलते हैं। सो दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है 1.2 मीटर हम मेजर कर रहे हैं, हर एक्सपेंशन ज्वाइंट में 1.2 मीटर पे आपको दिख रहा होगा ये एक्सपेंशन ज्वाइंट ब्लैक वाला, ठीक है। इसको ही हम एक्सपेंशन ज्वाइंट बोलते हैं। ये एक्चुअल नियोप्रीन फोम रबर होता है या पॉलिस्टरीन होता है। ये जो है दोस्तों, ये बेकर रॉड है, इसी को हम एक्सपेंशन ज्वाइंट में इंस्टॉल करते हैं, जो देख सकते हैं आप यहाँ, इसको कट करके बेकर रॉड को हम इंस्टॉल किए हैं। ओके, यही है बेकर रॉड, और एक्सपेंशन ज्वाइंट जो होता है यही एक्सपेंशन ज्वाइंट है। एंड इस इधर और नेक्स्ट एंड अपोजिट साइड में भी सेम ऐसा है, ठीक है। ये आप देखिए, यहाँ भी है। एवरी 1.2 मीटर पे हम एक्सपेंशन ज्वाइंट जो होता है उसको हम सील करते हैं। ये स्टॉप प्राइमर एसेट है। ओके, ये प्राइमर होता है, इसको हम बेकर रॉड पे पहले अप्लाई करते हैं। एक्सपेंशन ज्वाइंट में जो बेकर रॉड हम इंस्टॉल किए हैं उस पर हम प्राइमर अप्लाई करेंगे, और आधा घंटा इसका टाइमिंग है। प्राइमिंग अप्लाई करने के बाद आधा घंटा हम वेट करेंगे, ये देखिए, आधा घंटा वेट करने के बाद हम सीलेंट अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये देखिए, तो ये बेकर रॉड के ऊपर जो एक्सपेंशन ज्वाइंट है उसमें जो बेकर रॉड है उसके ऊपर हम प्राइमर अप्लाई कर रहे हैं। और ये प्राइमर अप्लाई करना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि इससे क्या होता है, हमारा सीलेंट पकड़ता है, ठीक है, अच्छा से फिक्स होता है। जो सीलेंट हम डालेंगे, ओके, वो सीलेंट अच्छा से फिक्स होगा, ओके, सील हो जाएगा, अच्छा से सील करेगा इस गैप को,
ठीक, तो ये गैप को हम सील करेंगे ना, तो ये फ्लेक्सिबल सीलेंट होता है दोस्तों, ठीक है, ये अधिक हार्ड नहीं होगा। ये एक्सपेंशन जॉइंट, जब एक्सपेंशन होगा तो फैलेगा और बढ़ेगा, उसमें कोई बाधा नहीं करेगा। ये है दोस्तों स्टोसिल C200PF ग्रे कलर का, ठीक है। ये हमारा हम मेजर करेंगे, देखिए स्टोसिल C200PF ग्रे कलर, ओके। इसको हम 1 kg में, 1 kg वेट कर लिए, देखिए थोड़ा सा बढ़ गया, 1022 ग्राम हो गया, 1 kg 22 ग्राम हो गया, ओके। और इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम स्टोसिल C200PF हार्डनर यूज़ करेंगे, तो इसका रेशियो है 1 kg = 100 ग्राम, ओके। ये 100 ग्राम हम डालेंगे, तो क्योंकि 1 किलो से थोड़ा बढ़ गया था हमारा, तो इसलिए हम थोड़ा ये भी बढ़ा के डालेंगे, देखिए 1.03 ग्राम, 103 ग्राम हम डाल दिए। और इसको हम दोस्तों अच्छा से मिक्स करेंगे, ठीक है, ये दोनों मिक्सर को, जो दोनों केमिकल है, इसको हम अच्छा से मिक्स करेंगे मिक्सर से। ये देखिए मैनुअल इलेक्ट्रिकल मिक्सर है, ठीक है, इससे हम अच्छा से मिक्स कर लेंगे, देखिए हमारा आदमी मिक्स कर रहा है, ओके। अच्छा से मिनिमम 3 मिनट, 3 मिनट तक हम मिक्स करेंगे। अच्छा से जब मिक्स हो जाएगा, हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि अच्छा से मिक्स हुआ कि नहीं। मिक्स होने के बाद दोस्तों देखिए हम फॉर्म वर्क कर लिए हैं, ओके। ये फॉर्म वर्क है, अच्छा से नीचे से क्लोज कर दिया गया है कि ऊपर से डालने से नीचे से नहीं निकले, ओके। देखिए इसको हम अच्छा से फिल कर देंगे जो हम केमिकल मिक्स किए उससे, ओके। अच्छा से हम फिल करने के बाद इसको हम नेक्स्ट डे 24 आवर के बाद ओपन करेंगे, तो देखिए हमारा जो है कितना अच्छा हुआ है, देखिए फिक्स हो गया है। हम जो जितना भी हम फॉर्म वर्क लगाए थे प्रोटेक्शन के लिए कि फ्लो ना हो बाहर, वो सब हम निकाल दिए हैं, और देखिए 24 घंटा के बाद हम ओपन करके आपको दिखा रहे हैं, एकदम फिट हो गया। एक्सपेंशन ज्वाइंट को हम सील कर दिए। सो दोस्तों आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा अच्छा से कि एक्सपेंशन ज्वाइंट को हम सीलेंट कैसे लगाते हैं और सील कैसे करते हैं, क्या क्या मटेरियल यूज होता है सीलिंग के समय, उसको सीलिंग करना जरूरी होता है क्योंकि वो अच्छा नहीं दिखता है, अगर बाहर ऐसे रहेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए हम उसको सील कर देते हैं, ठीक है, ओके। एक्सपेंशन ज्वाइंट फाउंडेशन जो एपॉक्सी ग्राउट है, अगर हम एक्सपेंशन ज्वाइंट नहीं देंगे तो क्या होता है, उसमें एक्सटेंशन होता है, गर्मी के टाइम में फैलेगा, ठंडा के टाइम में फिर सिकुड़ेगा, इसके लिए हम एक्सपेंशन ज्वाइंट देते हैं कि फैलाव और सिकुड़न के समय उसमें जो क्रिया होती है उस क्रिया से उसमें क्रैक ना आए, ओके, दैट इज द रीजन ऑफ एक्सपेंशन ज्वाइंट, ओके। सो अगले वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कंप्रेसर, जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है उसका डिफ्लेक्शन कैसे चेक करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए, प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि उसमें हम डिफ्लेक्शन कैसे चेक करते हैं, ठीक है। डिफ्लेक्शन चेक करने से पहले हमें क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या ओपन करते हैं कंप्रेशर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर का, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो जरूर देखिएगा, ठीक है, उससे आपको अच्छा से रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर डिफ्लेक्शन चेकिंग कैसे किया जाता है ये आपको समझ में आएगा, ओके। और डिफ्लेक्शन जो होता है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर के लिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्कार, अभी के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।